जीके क्विज ऑन मार्स। हेलो दोस्तों, तो हमारी सोलर सिस्टम जीके सीरीज में आज हम मार्स पर से जीके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आज हम इसमें जानेंगे कि मार्स को किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है, किस व्यक्ति ने सबसे पहले टेलीस्कोप से मार्स को ऑब्जर्व किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्स इज द डैश डैश प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज से मार्स कितने नंबर का प्लैनेट है? 4th, 2nd, 1st, 6th। सही जवाब है 4th। मार्स इज कॉल्ड द डैश डैश प्लैनेट। मार्स को कौन सा प्लैनेट कहते हैं? ग्रीन, रेड, येलो, ब्लैक। सही जवाब है दोस्तों रेड। विच इज द सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, मर्क्यूरी, अर्थ, मार्स। सही जवाब है दोस्तों मार्स। Who was the first person to observe Mars with a telescope? टेलीस्कोप से सबसे पहले किस व्यक्ति ने मार्स को ऑब्जर्व किया था? अल्फ्रेड रॉबिन, मार्को लुबिन, गैलीलियो गैलीली, न्यूटन। सही जवाब है दोस्तों गैलीलियो गैलीली। मार्स इज टिल्टेड अप्रोक्सीमेटली बाय डैश डैश। मार्स कितने डिग्री झुका हुआ है? 25.2 डिग्री, 23.4 डिग्री, 32.2 डिग्री, 25.3 डिग्री। सही जवाब है दोस्तों 25.2 डिग्री। What time does it take for Mars to rotate or spin around itself? Mars को अपने चारों तरफ घूमने या चक्कर लगाने में कितना वक्त लगता है? 23.6 Earth hour, 24.6 Earth hour, 25.6 Earth hour, 29.6 Earth hour. सही जवाब है दोस्तों 24.6 अर्थ आवर। मार्स मेक्स अ कंप्लीट ऑर्बिट अराउंड द सन इज। मार्स को सूरज के चारों ओर घूमने में कितना वक्त लगता है? 677 अर्थ डेज, 687 अर्थ डेज, 699 अर्थ डेज, 600 अर्थ डेज। सही जवाब है दोस्तों 687 अर्थ डेज। हाउ मेनी मून्स डज मार्स हैव? मार्स के कितने चांद हैं? 1 मून, 2 मून, 9 मून, 3 मून। सही जवाब है दोस्तों 2 मून्स। मार्स के दो चांद हैं, इनके नाम फोबस और डीमोस हैं। विच प्लैनेट इज मार्स नेबरिंग प्लैनेट? मार्स का नेबरिंग प्लैनेट यानी पड़ोसी ग्रह कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, वीनस, बोथ ए एंड बी। सही जवाब है दोस्तों बोथ ए एंड बी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ मार्स? मार्स का रेडियस क्या है? 2106 माइल्स, 1516 माइल्स, 3959 माइल्स,
4160 माइल्स। सही जवाब है दोस्तों 2106 माइल्स। नंबर ऑफ मिनट्स सनलाइट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू मार्स। सूरज की रोशनी मार्स पर कितने वक्त में पहुंचती है? 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 13 मिनट्स, 8 मिनट्स। सही जवाब है दोस्तों 13 मिनट्स। डिस्क्राइब एटमॉस्फियर ऑन मार्स। मार्स पर किस तरह का एटमॉस्फियर यानी वातावरण होता है? नो एटमॉस्फियर, इट हैज अ थिक एटमॉस्फियर, इट हैज अ थिन एटमॉस्फियर, बोथ बी एंड सी। सही जवाब है दोस्तों इट हैज अ थिन एटमॉस्फियर। मार्स एटमॉस्फियर कंसिस्ट मेनली ऑफ डैश डैश। मार्स का एटमॉस्फियर मुख्य रूप से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, बोथ ए एंड बी। सही जवाब है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन। व्हाट गैस इज मोस्ट अबंडेंट इन मार्स एटमॉस्फियर? मार्स के एटमॉस्फियर में कौन सी गैस सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम। सही जवाब है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। मार्स के एटमॉस्फेयर में 95.9% कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो सबसे ज्यादा है। व्हाट इज द नेम ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो ऑन मार्स? मार्स पर सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम क्या है? ओलिंपस मार्स, हवाईज माउना लोआ, नन ऑफ दीज, गुडू माउंटेन। सही जवाब है दोस्तों ओलिंपस मार्स। मार्स का ये ज्वालामुखी पृथ्वी के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा बड़ा है।